शनाया बेटा आपका आर्ट कॉम्पिटिशन कब है? दो दिन बाद। तो आपने तैयारी कर ली अच्छे से? तैयारी तो चल रही है। आपको कोई थीम मिला है या वैसे ही कुछ भी बनाना है? हाँ जी पापा, हमें मार्केट थीम बनाना है। वाओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग, तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैंने कुछ कुछ तो सोच लिया है, लेकिन अगर मुझे एक स्केचिंग वाली बुक मिल जाती तो मुझे और अच्छा आइडिया आ जाते। बस इतनी सी बात तो ले लो ना बेटा वो बुक भी। हाँ, पर मामा वो बुक ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और ऑनलाइन कहीं नहीं मिल रही। बस इतनी सी बात बेटा मुझे बता दिया होता, मैं एक बुक स्टोर वाले भैया को जानती हूँ, मैं उनको कॉल कर दूंगी, वो वाली बुक वो कल घर पे आके दे जाएंगे। थैंक यू मामा। वेलकम बेटा, मुझे पूरा यकीन है तुम फर्स्ट ही आओगी। पुनीत अगर तुम इतनी मेहनत अनान्या पे भी कर लेती तो शायद आज वो भी डांस कॉम्पिटिशन जीत जाती। रमनीक मेहनत उसी पे की जाती है जिससे कोई उम्मीद हो। पुनीत तुम अनान्या के साथ इतना भेदभाव क्यों करती हो? रमनीक मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, वो खुद ही केपेबल नहीं है, उसका अपने कॉन्फिडेंस देखा कितना लो है, ना वो पढ़ाई में अच्छी है ना वो किसी और चीज में अच्छी है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोशिश ही नहीं करती है। और आपको याद नहीं वो डांस कॉम्पिटिशन में क्या हुआ था? डांस कॉम्पिटिशन में जो हुआ था वो अनान्या की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ था। बेटा मैं पूनम आंटी के साथ मॉल गई थी। आप मॉल ले क्या लाए? मैं आपके लिए और सियान के लिए न्यू गेम लाई हूँ। और मेरे लिए मामा? हाँ पुनीत तुम अनान्या के लिए क्या लाई हो? इतनी सारी तो ऑलरेडी गेम्स है इसके पास, उनसे तो खेलती नहीं, न्यू गेम तो क्या करेगी।